नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आज एप्रिल 18 मंगलवार आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। चाषी मान गोटे नुआ योजना आरंभ होला जहाँकि चाषी मान मिल सोलार पंप सेट। जानतु किपर आप सोलार पंप सेट पाई या सहित छात्र छात्री मान बड़ खबर रही। राज्य में ग्रीष्म प्रवाह ठार आरंभ कर राजनैतिक अनेक खबर रही। तेज आसतु आज सकाल समस्त खबर पर नजर पक आगर आपरखी भी छोटिया रिक्वेस्ट करी भिडटी गोटे लाइक करूँ या सहित कमेंट कर जनातु। आज लाइक आम रखीचु 2000 तेणु 2000 भी निश्चिंत भाव लाइक करने अनुरोध करी। प्रथम खबर को जीवा सरला मेट्रिक खाता देखा। जानतु केबे प्रकाश पाइब मेट्रिक परीक्षा फल सरी। राज्य में मेट्रिक खाता देखा मेट्रिक सेमेटिव दुई मध्यम और ओपन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा खाता मूल्यायन शेष होई। एथर परीक्षा खाता देखा मूल्यायन राज्य में 55 केन्द्र कर खाता देखा 13,000 रु अधिक शिक्षक शिक्षयित्री नियोजित थिले। तबे आसंता मास अर्थात मे मास द्वितीय सप्ताह रे मेट्रिक रिजल्ट प्रकाश पाइबा नहीं सूचना मिली। एने बोर्ड सभापति रामाशीष हाजरा सूचना देइछंती। परवर्ती खबर को जीवा राज्य में आहरी 4 दिन ताती। राज्य में ताती रु एबे निस्तार मिलबनी। खरा सांग को गुळगुळी मध्य राज्य में प्रचंड होबार लागिछि। तबे राज्य में एबे अधिकांश शहर तापमात्रा 40 डिग्री बा 40 डिग्री ऊपर रहिछि। या सहित तबे राज्य में सबुठारु उत्तप्त शहर हेउछि झारसुगुड़ा जेउठारे गतकाली तापमात्रा 42.8 डिग्री थिबा रेकर्ड होइछि। अन्यपटे राज्य में किछि स्थान रे काळ बैसाखी रो संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु कुहाजाइछि। परवर्ती खबर को जीवा एणिकी आंदोलन करें स्वास्थ्यकर्मी। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवारे एस्मा बा आवश्यकता सेवा आईन लागू करिसंती। समय रे नर्स फार्मासिस्ट आंदोलन उपरे रोक लगा जाइछि। स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य कर्मचारी मानकर उपरे मध्य एही कटकणा लागू करा जाइछि। स्वास्थ्यकर्मी को काम छाड़ आंदोलन को बारण करा जाइछि। तबे एस्मा लागू नहीं विधिवद्ध विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिबा बेले आगामी 6 मास जाए एस्मा बलवत्तर रहिबो जहाँ फलरे आंदोलन करि पारिबे नाही स्वास्थ्यकर्मी। परवर्ती खबर को जीवा सबो डाक्तरखाना रे लागिबो बायोमेट्रिक मेसिन। अनेक समय रे कर्मचारी एवं डाक्तर माने ठीक समय रे कार्यस्थल रे पहुंचुनांती। एथिपाई डाक्तरखाना रे अचल अवस्था सृष्टि होउचे। यहाको दृष्टि रखी मेडिकल कॉलेज ओ हॉस्पिटल ठारु आरंभ करी CHSC PHSC पर्यंत सबो डाक्तरखाना रे बायोमेट्रिक व्यवस्था कार्यकारी करिबाको पदक्षेप निया जाउचे स्वास्थ्य विभाग तरफरु। ए नै विभागर शासन सचिव शालिनी पंडित यही व्यवस्था सुनिश्चित करने उपर गुरुत्व देइछंती। डाक्तरखाना 24 घंटिया डाक्तर एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थान सुनिश्चित करने को सरकार निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर को जीवा कैंसर रोगी को चिन्हट करे मिशन शक्ति। प्रति जिले में महिला स्वयं सहायक गोष्ठी मानक नियोजित कैंसर रोगी मानक चिन्हट करने को तेज सचेतन अभाव लोक मैंने मारात्मक रोग को चिन्ह पारना जीवन जाऊँगी। तेणु एक क्षेत्र में मिशन शक्ति महिला मैंने एक सारथी भाव कार्य करेंगे। लोक मानक सचेतन कराइबा सहित कैंसर रोग चिन्हट करने सहित चिकित्सा पाई साहाज्य करिबे जहाद्वारा राज्य में कर्कट रोगी चिन्हट करिबारे सहायक हेबो बोली स्वास्थ्य विभाग तरफ कुहा जाइछि। परवर्ती खबर को जीवा बदलिबे समवाय समितिर सेक्रेटरी और संपादक। राज्यर समवाय समिति गुड़िकर कार्यनिर्वाही अधिकारी तथा सेक्रेटरी मानकर बदली होई पारु नाही जहाँफल तृणमूल स्तर रे समवाय समिति गुड़िकर व्यापक अनियमितता देखा देउथिबा विभाग अनुभव करुछि। एथिपाई ओडिशा समवाय समिति आईन 1962 रे संशोधन करबाको प्रस्ताव पारित होईछि। तबे एही नुवा आईन कैबिनेट रे अनुमोदित होई विधानसभा रे बहुमत रे पारित हेबा परे आईन रे संशोधन होई पारिबो बोली वरिष्ठ अधिकारी कहिछंती। परवर्ती खबर को जीवा बढ़ला मेडिकल चार्ज। केंद्र सरकार तरफ वर्तमान स्वास्थ्य योजना रे किसी चार्ज बढ़ा जाइए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सरकार स्वास्थ्य योजना सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अधीन परामर्श शुल्क एवं घर भड़ा बढ़ाई दिया जाइछि। यह योजना अधीन केन्द्र सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल रे रिहाती प्रदान करुछंती। एणिकी प्राइवेट हॉस्पिटल रे ओपीडी परामर्श शुल्क 150 टंका रो 350 टंका होइछि।
IPD ପରାମର୍ଶ ଶୁଳ୍କ 50 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 350 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ICU ସେବା ସହିତ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଦୈନିକ 5,400 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା 1.5% ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା 1,500 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବଡ଼ ରୁମ୍ 3,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ଭଦ୍ରକରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା 144 ଧାରା। ବେଦାନ୍ତ ଫକର ପରିସର ସହିତ 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ 144 ଧାରା କଟକଣା ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା କଟକଣା। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦିଆରେ ଥିବା ବେଦାନ୍ତ ଫକର କମ୍ପାନୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଗଞ୍ଜାମକୁ ମିଳିଲା ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଲା ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର 2023। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଟିମ୍। ଦେଶର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ। ସେହିପରି 6,612 କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ପାଇଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଲବ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହା ସହିତ ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକର କଞ୍ଚୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବଗାଁ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବୁଜ ପଞ୍ଚାୟତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା, କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଚଲାଇଛି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୁହଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ପୋଲାଭରମ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ମୁହଁ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଧ୍ର ସପକ୍ଷରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛି। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା, ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ମାମଲା। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ମିଥ୍ୟା ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଭୋଟର ଯଦୁନାଥ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା ରୁଜୁ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ରଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆବେଦନକାରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଓକିଲ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ନହେବାରୁ ମାମଲାଟିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଖବର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିଲେ ଟଙ୍କଧର। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ 15 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଜି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ବିଜେଡିରେ ହେଲା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ବଢ଼ୁଛି ବିଜେଡି ଦଳ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ମଉଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳର କର୍ମୀ। ମହଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 150ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ହେବ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେନାଲ ବଦଳରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ କରାଯିବ ଜଳସେଚନ। ପୂରଣ ହେବ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା, ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି, ଆଜି ହେବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି। ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ 5 ଜଣିଆ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବିଚାର କରିବେ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ଆଇନ ସମ୍ମତ କରିବାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଜି ହେବ ଶୁଣାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା, ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପଲିସି। ରାଜ୍ୟରେ ଏକକ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
चलित शिक्षाबर्षरु राज्य रे एकक गवेषणा नीति बा यूनिफॉर्म रिसर्च पॉलिसी लागू करिबाकु निष्पत्ति होईचि। एकक गवेषणा नीति लागू करिबाकु राज्यर समस्त विश्वविद्यालयर कुलपतिंकु विभाग पक्षरु निर्देश दिया जाईचि। राज्यर समस्त सरकारी विश्वविद्यालय रे एकक गवेषणा नीति कार्यकारी करा जिवो। परवर्ती खबर को जीवा एक गुरुत्वपूर्ण खबर, आधार कार्ड रे लिंक हेब प्रॉपर्टी और सुना। प्रत्येक नागरिक मानकर नाम रे थिबा संपत्ति उपरे वर्तमान रहिब नजर। संपत्ति गुड़िकर दलील को आधार कार्ड सहित लिंक करा जिवो। ए नै आसीपारे नुआ नियम। ए नै अर्थ मंत्रालय एवं गृह और नगर व्यापार मंत्रालय मतामत लोडिचंती माननीय हाईकोर्ट। तेबे प्रत्येक व्यक्ति समस्त स्थावर एवं अस्थावर संपत्तिर समस्त दलील आधार कार्ड सहित लिंक हेब। एनै एबे मामला विचाराधीन रहिछि। परवर्ती खबर को जीवा अर्चना नागंक मामला। ईडी मामला रे अर्चना नागंक प्रसंग रे काली हाईकोर्ट रे सुनानी होईछि। अर्चनांक जमीन आवेदन रे सुनानी करी ईडी को जवाब दाखल करबा को निर्देश देइछन्ति हाईकोर्ट। ए प्रसंग रे जून 26 तारिख रे परवर्ती सुनानी हेबो बोली कहा जाइछि। एही दिन एकाटी अर्चना ओ तांको स्वामी जगबधुंक जमीन आवेदन उपरे सुनानी करा जीवो बोली कहा जाइछि। परवर्ती खबर को जीवा प्रश्न उठाई फसिले दिल्ली मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिक्षागत योग्यता उपरे प्रश्न उठाइबा एबे अड़ुआ रे पकाइछि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। गुजरात कोर्ट केजरीवाल को समन पठाई हाजर हेबाकु कहिछंती। मे 23 तारिख रे उभय अरविंद केजरीवाल ओ दलर सांसद संजय सिंह को हाजर हेबाकु समन करा जाइछि कोर्ट पक्षरु। गुजरात विश्वविद्यालय रो आवेदन उपरे सुनानी करी कोर्ट एही समन पठाइछंती। शिक्षागत योग्यता उपरे प्रश्न उठाइबा आळरे केजरीवाल एवं संजय सिंह विश्वविद्यालय विरोध रे आपत्तिजनक टिप्पणी देइछंती। परवर्ती खबर को जीवा चाषी मानक 90% सब्सिडी रे मिलुछि सोलार पंप। जानंतु किपरी आवेदन करिवे एवं किपरी पाइबे। देशर लक्ष लक्ष कृषक मानक नुआ योजना आनिछंती केंद्र सरकार। तबे एही योजना रे 90% सब्सिडी मिलिबो चाषी मानकु। तबे केंद्र सरकार द्वारा एही योजना रा नाम रखा जाइछि पीएम कुसुम योजना। एही योजना माध्यम रे कृषक मानकु सौर पंप स्थापना करिबाकु सुविधा जोगाई दिया जिवो। तबे जदि आपण चाहुचंती गोटे सौर पंप किणिबाकु एथि पई आपण ऑनलाइन माध्यम रे पीएम कुसुम योजना रो वेबसाइट कु जानतु। एठारे आवेदन करि परिबे। या सहित एठारे एक टोल फ्री नंबर मध्ये रहिछि। एही टोल फ्री नंबर रे आपण जोगाजोग करी अधिक डिटेल्स पाई परिबे। परवर्ती खबर को जीवा सुदान रे जारी रहिछे संघर्ष। सुदान रे अर्धसामरिक बल एवं सेना मध्य रे संघर्ष रो तृतीय दिन जारी रहिछे। एही संघर्ष रे वर्तमान सुधा 100 जणकर मृत्यु होई सारिछि। अन्य पटे 600 जण आहत होइथिबा मेडिकल टीम पक्षरु सूचना दिया जाइछि।